हाय दोस्तों, हरे गंगी नमामि गंगी। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको हरिद्वार के स्टार्टिंग यानी रेलवे स्टेशन से ही पूरी जानकारी देने वाले हैं और काफ़ी सारे ऐसे प्रमुख जगह जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट, हरिद्वार के प्रमुख स्थान यानी हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं। जब भी आते हैं, जहाँ से भी आते हैं आप, अगर बाय ट्रेन आते हैं तो आपको यहीं से आना होगा। इसके बाद हम आपको चमत्कारी काली माता मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे अब डेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। ये है हरिद्वार जो कि हाईवे से हर की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पे जल की धारा अब तेज है, स्नान करने के लिए पर्याप्त जल है। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि हर की पैड़ी में जल नहीं है, तो आप स्नान करने के लिए पर्याप्त जल है लेकिन कम है। और ये है भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थित है। अब हर की पैड़ी से दूरी अगर हम कहें तो मात्र 200 से 300 मीटर के दूरी पर है, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से आपको हाईवे से घूम के आना होगा। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं, अगर आप पैदल आएंगे तो आपको लगभग 5 मिनट का पैदल सफ़र करना होगा। देख रहे हैं अभी हम राउंड लगा रहे हैं, देख रहे हैं ये गंगा जी है और ये पंचदीप पार्किंग है। इसी पंचदीप पार्किंग से होकर आप पैदल आएंगे क्योंकि पैदल मार्ग काफ़ी आसान है। अगर आपके साथ बुजुर्ग नहीं है तो आप आराम से आ सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे सुंदरता देखने को मिलता है। और अभी थोड़ा से तेज़ धूप होने की वजह से थोड़ा से हरियाली कम है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी हरियाली होती है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और साथ में यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के विश्राम भी कर रहे हैं। पीछे से भगवान शिव की मूर्ति कुछ इस तरह का दिखाई देता है, देख रहे हैं सांप का काफ़ी डरावना रूप यहाँ से देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी भी यहाँ से आपको नज़दीक दिखाई देगा, काफ़ी नज़दीक है हर की पैड़ी। अब हम आपको शांति कुंज लेके जा रहे हैं। शांति कुंज यानी रहना खाना फ्री 2 दिनों का होता है। ऐसे तो अगर आप कुछ अपना विधि विधान यानी जन्म से लेके मृत्यु तक का कुछ अगर कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी दिन का कार्यक्रम होगा आपका तो उतने दिन आप यहाँ पे रुक सकते हैं, वो भी निःशुल्क सारे। जैसे कि यहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे गतिविधि की जाती है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना स्टे कर सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मल लोगों के लिए 2 दिन फ्री है खाना पीना। और जब भी आप काली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये मात्र हर की पैड़ी से 200 मीटर की दूरी पर भीमगोड़ा के मार्ग में है। यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ के चमत्कार काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है काफ़ी सारे लोगों के लिए क्योंकि ये जो दृश्य है ये केवल नॉर्मल नहीं। अभी आप दर्शन करें, इसके बाद हम आपको यहाँ का चमत्कार दिखाएंगे। ये है माँ काली के दर्शन, काफ़ी चमत्कारी मंदिर है। और जब भी आए तो यहाँ पे आए, कहा जाता है कि जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरता है तो हॉर्न देते हुए गुजरता है। पहले जब मंदिर नहीं बना था तो ट्रेन यहाँ से नहीं गुजर पा रहा था। ये देख रहे हैं ये भगवान शिव की ऊँची मूर्ति, सुबह हम आपको यहाँ पर लेके गए थे। अभी काफ़ी तेज़ धूप हो गया, जैसे 8 या 9 बजता है तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ जलने वाली धूप होने लगता है। जल की धारा काफ़ी देख रहे हैं तेज़ है और ये तेज़ी नॉर्मल है और इतना तेज अभी आपको देखने को मिलेगा। कई स्थानों पे आपको घुटने इतना जल मिलेगा, कई स्थानों पे आपको कमर इतना जल, तो कई स्थानों पे आपको सीने इतना जल मिलेगा। तो स्नान करने के लिए सबसे अच्छा घाट का है जहाँ पे ज़्यादा धूप भी नहीं होता है, जल भी काफ़ी तेज़ होता है, पूजा पाठ के लिए मंदिर होता है तो शिव घाट है। शिव घाट में आप जाइएगा, सबसे ज़्यादा जल वहाँ पे मिलेगा और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा भी है माता और बहनों के लिए चेंजिंग रूम का। अच्छा, तो हम अभी खड़े हुए हैं मालवी घाट में, काफ़ी सारे चेंजिंग रूम यहाँ पे बने हुए हैं। ये सबसे अच्छा घाटों में से एक घाट है जहाँ पे माता और बहनों की सुविधा काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे धूप से बचने के लिए सुविधा नहीं है। तो अगर आप धूप से भी बचना चाह रहे हैं, सुविधा भी ज़्यादा अच्छा चाह रहे हैं तो आप शिव घाट में स्नान कीजिएगा। लास्ट वीडियो हमारे देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि शिव घाट कहाँ है, तो आपको लास्ट वीडियो में हमने शिव घाट का पूरी डिटेल से दृश्य दिखाया है ताकि आप यहाँ पर आराम से आ सके। परेशानी बस इतना ही है कि अभी तेज़ धूप है, यात्रा में थोड़ी सी दिक्कत है, बच्चे बुजुर्ग इसी में परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल जलने वाली, कभी कभी तो लोग चक्कर आके गिर भी जा रहे हैं, इतनी भयानक अभी गर्मी हो रहा है। चाहे वो हर की पैड़ी की बात हो या फिर ऋषिकेश का बात हो या देहरादून का, हाँ ऊपर पहाड़ों यानी देहरादून से ऊपर जैसे जाएंगे मसूरी वगैरह में तो थोड़ा सा राहत है, और अगर समतल से अगर 200-250 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको ठंडक का भी एहसास होगा। देख रहे हैं धनुष ब्रिज के नीचे
जानवर और इंसान दोनों ही खड़े हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है जिसके वजह से सहन थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है सहना। चलते हैं आगे का दृश्य दिखाएंगे। आराम से यात्रा करें, छाता जरूर ला लीजिए अगर आपके साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग है, या फिर अगर आप यंग भी हैं तो भी ला लीजिए, काफ़ी अच्छा राहत आपको मिलने वाला है। देख रहे हैं ये है प्रमुख जल की धारा जहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। अगर आप स्टे के लिए देख रहे हैं, अगर आपके पास व्हीकल है फोर व्हीलर, तो सबसे अच्छा स्थान कहें तो भीमगोड़ा है। भीमगोड़ा का काफ़ी सारे वीडियो हमने बना रखा है, तो आप जाके जरूर देखें। भीमगोड़ा में काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है। और अगर आप घूमना चाह रहे हैं तो सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप घूम लें, खासतौर पर हरकी पैड़ी आसपास के। अगर शॉपिंग करना चाह रहे हो वो भी आप सुबह सुबह ही कर लें, या फिर आप 6 बजे के बाद करें ताकि धूप ना रहे, तो आपको आसानी होगा घूमने में। ऐसे उमस और धूप दोनों ही काफ़ी यहाँ पे अभी दिक्कत का कारण बन रहा है। बाकी हरिद्वार में जल भी अच्छी है और डुबकी भी लगा सकते हैं। ये जल की धारा इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा अभी नहीं होगा। जो भी जल की धारा में तेज़ी देखने को मिलेगा, अब दिवाली के बाद देखने को मिलेगा जितना भी जल है, और दशहरा से दिवाली में तो और भी काफ़ी कम हो जाएगा जल, जो कि सफाई होती है उस दौरान। और सफाई के दौरान फिर यही होता है कि शिव घाट, यानी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहीं पे ही जल होता है। और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता नीलधारा में भी जल होता है, सफाई केवल हरकी पैड़ी की किया जाता है। देख रहे हैं अभी पितर पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष का आज 8वां दिन है और श्रद्धालुओं की संख्या पिंडदान करने के लिए हरिद्वार भी पहुँची हुई है। हमने भी छाता ले रखा है, जैसे कि आपको छाता दिखाई दे रहा होगा, हमने भी छाता लिया हुआ है क्योंकि मुश्किल है अभी। और काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि पंडित या फिर कैमरामैन जो कि यहाँ पे फोटोग्राफी का काम करते हैं, वो छाता लिए हुए हैं। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि आप छाता लेके आएँ। देख रहे हैं यहाँ पे जल की धारा कितनी है, और सामने आपको जल की धारा कितनी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी खासी माँ गंगा की धारा है यहाँ पे। और कुछ दूर में यानी सुभाष घाट में जल की धारा देख रहे हैं कितनी है, वहाँ पे भी जल की धारा है। ऐसे नहीं कि वहाँ पूरा सूखा है, क्योंकि जल की धारा बढ़ चुकी है अभी। पहले अगर 3 दिन 2 दिन की पहले की वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे जल की धारा काफ़ी कम है। ये है प्रमुख जल की धारा जो कि सीधे बहरा से होकर आ रही। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं, हल्की हल्की से दिख भी रहे हैं, लेकिन जल की धारा काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। ये मैक्सिमम गति है, वो भी दशहरा तक, दशहरा से दिवाली तक, और भी काफ़ी ज़्यादा सूखी हो जाएगी गंगा जी, और उस दौरान आपको स्नान करने में थोड़ी दिक्कतें भी होगी। चलते हैं अब हम आपको ब्रिज का दृश्य दिखा रहे हैं। ये है शिव ब्रिज, प्रमुख ब्रिजों में से एक है। आप जब भी आते हैं तो इसी ब्रिज से होके हरकी पैड़ी जाएंगे अगर आप ऋषिकेश बाईपास से आ रहे हैं। मनसा देवी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या जितने हरकी पैड़ी में होते हैं उसके लगभग 80% लोग जाते हैं। काफ़ी भीड़ वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर। जय माँ गंगे, हरे गंगे, नमामि गंगे।